ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले का निषेध करते हुए AIMIM निप्पानी के तरफ से निप्पानी तहसीलदार को निवेदन पेश किया गया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वालों को फांसी की सज़ा देने की मांग की गई। इस मौके पर AIMIM निप्पानी तालुका अध्यक्ष हाफिज अलीम हुसैन शेख, युवा तालुका प्रेसिडेंट इम्तियाज़ मुजावर, सिटी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला मकानदार, युवा सिटी प्रेसिडेंट रमजान नागरजी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं इस कातिलाना हमले का निषेध खुलकर करता हूं और पार्टी की जानिब से भी खुलकर निषेध किया जा रहा है, खास तौर से यूपी सरकार का, योगी सरकार का निषेध किया जा रहा है। जो योगी सरकार इस बात का डंका यूपी की सरजमीन पर पीट पीट कर लोगों के वोट मांग रही है कि हमने यहाँ से माफिया ख़त्म कर दिया है, माफिया ख़त्म कर दिया है, जब ये माफिया ख़त्म कर दिया तो ये जो गोलीबार करने वाले तुम्हारे साले हैं, ये हैं कौन? जब ये माफिया में नहीं आते तो ये जो जालिमाना और कातिलाना हमला करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जिन्होंने हमला किया वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। ऐसे कातिलाना हमला करने वाले और जालिमाना हमला करने वाले लोगों से जो भी ऐसे वारदात होते हैं उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, इसलिए आज हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM निप्पानी तालुका और निप्पानी शहर की तरफ से निप्पानी तहसीलदार को ये अर्जी दी गई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सुरक्षा के लिए जेड पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो उसमें मुजरिम पकड़े गए हैं उन मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए। हम ये मांग करते हैं यूपी सरकार और योगी सरकार से, अगर वो माफिया ख़त्म होगा ये नारा लगाते हैं तो ये काम अंजाम करके दिखाए कि जिन लोगों ने हमारे खासदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर फायरिंग की है उन लोगों को सरेआम फांसी देकर दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने यकीनन माफिया ख़त्म कर दिया।